फटाफट से 10 मिनट में बनकर तैयार होने वाला नाश्ता ये बहुत ही टेस्ट होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सा नाश्ता, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। नाश्ता बनाने के लिए लेना हमें है 1 कटोरा सूजी और 1/2 कटोरा दही। इन सबको अच्छी तरह से मिला लेना है। इसमें डालेंगे थोड़ा पानी। थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। इस तरह से मिला के ढक के रख देना है 10 मिनट के लिए। यहाँ मैंने 3 पीस ब्रेड लिया है और ब्रेड को इस तरह से काटना है। किसी भी चीज़ से आप काट सकते हो, ग्लास, कटोरी या टिफिन का ढक्कन, इस तरह से। इस तरह से हमें इसका राउंड शेप में निकाल लेना है। आप देख सकते हो सूजी 10 मिनट के बाद कितने अच्छे से फूल गया है। अब इसमें डालेंगे नमक। इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, ज़रूरत के हिसाब से आप डालें। और इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। अब इसमें हम डालेंगे पानी। अब इसे ये अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे रखते हैं साइड में। हमने यहाँ लिया 3 कटोरी, जिसमें हमें इसके अंदर इस तरह से तेल लगाना है। हमने 3 कटोरी में अच्छे से तेल लगा लिए। तेल लगाने के बाद अब हमको क्या करना है, दूसरा एक बॉल लेंगे जिसमें आधा इसमें हम डाल लेंगे इस तरह से। आधा बेटर में हम डालेंगे बेकिंग सोडा, छोटी चम्मच है, इससे 1 चम्मच। फिर इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब यहाँ हम लेंगे ये 3 कटोरा, इसमें 1-1 चम्मच करके इस तरह से डाल देंगे। पानी हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी गरम अच्छी तरह से हो चुका है। इस पर इस तरह से हमको इस तरह से इन 3 कटोरा को हमें रख देना है और इसे ढक देंगे हाई फ्लेम में। पाँच मिनट के बाद अब हम इन कटोरियों को निकाल लेंगे बाहर। यहाँ पर हमने जो ब्रेड राउंड शेप में काट के रखा है इसके ऊपर लगा लेंगे हरी चटनी। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे टमाटो सॉस और सेजवान चटनी। इन दोनों को हमने मिक्स करके रखा है।
तरह से इसे पलट के हमें रख देना है इस पर। और इस पर डालना है बारीक कटा हुआ थोड़ा प्याज, हरा धनिया, इसके ऊपर से डालना है थोड़ा सा और टमाटो सॉस, इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा चाट मसाला, अब हमने जो यहाँ आधा बैटर बचा कर रखा था उसमें डालेंगे एक चुटकी बेकिंग सोडा, इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिलाने के बाद अब एक एक चम्मच फिर से इसके ऊपर हम डाल देंगे। इस तरह से तो हमने सबको इस तरह से इस पर डाल दिया। अब उसी तरह फिर से हम इसे बेक कर देंगे। इसे कवर कर देंगे फिर से 5 मिनट के लिए और इसका फ्लेम लो टू मीडियम रखना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार है। इसे अब निकाल लेते हैं, 2 मिनट के लिए इसे ठंडा होने देंगे और इसका गैस कर देते हैं बंद। ये बनकर तैयार है, इसे हम निकाल लेते हैं। दो मिनट के लिए इसे ठंडा होने देंगे। इस तरह से इसे अलग कर लेना है। आप देख सकते हो नाश्ता कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। ये एकदम हल्का नाश्ता है, बच्चे लोग को भी बहुत पसंद आएगा। इसे बनाना भी कितना आसान है, फटाफट से 10 मिनट में बनकर तैयार होने वाला नाश्ता। ये बहुत ही टेस्ट होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल को अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।